अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू एजुकेशन ग्रुप एक बार फिर आपके साथ हाजिर है सर सर रमजान एक वीडियो के साथ सोशल स्टडीज़ क्लास 6 यूनिट 1 चैप्टर 1 टू 3 एंड 4 दोस्तों जैसे कि मैंने आपके साथ सोशल स्टडी का क्लास 4 कंप्लीट करवा दिया है क्लास 5 के भी तमाम चैप्टर्स कंप्लीट करवा दिए हैं तो आज हम जो है सोशल स्टडीज़ क्लास 6 का यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे जिसमें मैं आपके साथ जो है वो टोटल तीन चार चैप्टर्स जो है वो शेयर करूंगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें टोटल जो है वो 30 प्लस मोस्ट इम्पार्टेंट क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 1 वी कैन स्टडी हिस्ट्री बाई यूजिंग टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज कार्ड हम जो है वो हिस्ट्री की स्टडी कर सकते हैं दो टाइप के सोर्सेज में जिनको क्या कहा जाता है आंसर प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स क्वेश्चन नंबर टू हिस्ट्री मस्ट बी बेस्ड ऑन हिस्ट्री किसकी बुनियाद पे होती है आंसर इविडेंस एंड लॉजिकल थाट के बुनियाद पे क्वेश्चन नंबर थ्री विदाउट नॉलेज ऑफ द पास्ट वी वुड नॉट बी वी वुड नॉट एबल टू फाइंड Uh, हम जो है वो माजी की नॉलेज uh, के बगैर जो है कौन सी चीज़ फाइंड नहीं कर सकते हैं आंसर सॉल्यूशंस टू दी प्रॉब्लम्स ऑफ टुडे क्वेश्चन नंबर फोर हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट पार्टिकुलरली हिस्ट्री जो है वो माजी, माजी की एक स्टडी है खासतौर पर कौन सी चीज़ों की आंसर पीपल प्लेसेस एंड इवेंट्स क्वेश्चन नंबर फाइव द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ वन ओन कंट्री हेल्प्स वन अंडरस्टैंड द हिस्ट्री uh, की स्टडी किसी के अपने uh, खुद के मुल्क के लिए जो है वो मदद करती है किस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में आंसर हिस्ट्री ऑफ वंस नेशन क्वेश्चन नंबर सिक्स आर्चिवल डॉक्यूमेंट्स डायरीज एनशियंट एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स आर ये सारी चीज़ें जो है क्या है? Answer, uh, primary, uh, हैं आंसर प्राइमरी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ये प्राइमरी हिस्ट्री के प्राइमरी सोर्सेज हैं क्वेश्चन नंबर सेवन बुक्स रिटन अबाउट द हिस्टोरिकल पीरियड्स आर ऐसे बुक्स जो हिस्टोरिकल पीरियड्स पे लिखे गए हों तो वो क्या होते हैं आंसर सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री हिस्ट्री के सेकेंडरी सोर्सेज हैं ये क्वेश्चन नंबर एट देयर आर मेनी थ्योरीज अबाउट द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन लाइफ बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर इंसान की जिंदगी के आगाज की जो है बहुत सारी थ्योरी हैं लेकिन uh, उनमें से जो है बहुत ही खास जो थ्योरीज हैं वो कौन सी हैं कितनी हैं आंसर टू थ्योरीज़ क्वेश्चन नंबर नाइन नेम दी फर्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी अबाउट दी ओरिजिन ऑफ ह्यूमन लाइफ इंसान की जिंदगी के आगाज़ की पहली थ्योरी का नाम बताएं आंसर थ्योरी अबाउट क्रिएशन क्वेश्चन नंबर टेन नेम दी दिक्ड इंपॉर्टेंट थ्योरी अबाउट दी ओरिजिन ऑफ ह्यूमन लाइफ इंसान की जिंदगी के आगाज़ की जो दूसरी इंपॉर्टेंट थ्योरी है उसका नाम बताएं आंसर थ्योरी अबाउट एवोल्यूशन क्वेश्चन नंबर अलेवन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाज गिवन बाय एवोल्यूशन की थ्योरी हमें जो है किसने दी आंसर चार्ल्स डार्विन ने क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व बुक वाज पब्लिश्ड इन 1859 हंड्रेड फिफ्टी एक्सप्लेन बाय चार्ल्स डार्विन कौन सा बुक जो है वो 1859 में पब्लिश हुआ और चार्ल्स डार्विन की तरफ से जो है वो एक्सप्लेन किया गया आंसर द ओरिजिन ऑफ स्पेश क्वेश्चन नंबर थर्टीन द अर्थ इज अबाउट इयर्स ओल्ड दुनिया जो है वो जमीन जो है वो कितने साल जो है वो पुरानी है आंसर 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड क्वेश्चन नंबर 14 ह्यूमन इवोल्यूशन टुक ओवर हाउ मेनी ईयर्स इंसान की इवोल्यूशन जो है वो, वो कितने साल उसको लगे हैं आंसर सिक्स मिलियन इयर्स क्वेश्चन नंबर 15 ह्यूमन इवोल्यूशन आकर्ड ऑन दी कॉन्टिनेंट ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में हुई आंसर अफ्रीका क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन विच इज़ दी स्टडी ऑफ ह्यूमन्स पास्ट एंड प्रेजेंट कौन सी स्टडी जो है वो इंसानों के माजी और हाल की स्टडी होती है आंसर एंथ्रोपोलॉजी क्वेश्चन नंबर 17 मॉडर्न ह्यूमन बींग्स आर नॉन एज मॉडर्न ह्यूमन बींग्स जो हैं उनको क्या कहा जाता है आंसर होमोसेपियंस क्वेश्चन नंबर एटीन डेश इज वे ऑफ लाइफ ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल्स कौन सी ऐसी चीज़ है जो uh, जिंदगी का एक तरीका है और जो कि एक इंसानों का ग्रुप है लोगों का ग्रुप है आंसर कल्चर क्वेश्चन नंबर नाइनटीन सोसाइटीज़ आर डिवाइडेड इंटू हाउ मेनी कैटेगरी सोसाइटीज़ जो है वो कितनी कैटेगरीज में बांटी गई है आंसर थ्री कैटेगरीज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नेम द्री कैटेगरीज ऑफ सोसाइटीज सोसाइटीज़ की तीन कैटेगरीज के नाम बताएं आंसर प्री इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल एंड पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन वेन हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी बिगेन हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी जो है वो कब स्टार्ट हुई आंसर हंड्रेड थाउजेंड ईयर्स अगो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू वैन पोस्टल सोसाइटी बिगे पोस्टल सोसाइटी जो है वो कब शुरू हुई आंसर ट्वेल्व थाउजेंड ईयर्स अगो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री वेन सोसाइटी बिगेन हार्टीकल्चर सोसाइटी जो है वो कब शुरू हुई आंसर ट्वेल्व थाउजेंड ईयर्स अगो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर वेन एग्रीकल्चरल सोसाइटी बिगेन एग्रीकल्चरल सोसाइटी जो है वो कब शुरू हुई आंसर एट थाउजेंड ईयर्स अगो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इंडस्ट्रियल सोसाइटी बिगेन इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है वो कब शुरू हुई 1769 26 Answer, in 1950s Question number 27 मेनी ईर्स अगो पीपल लर्न हाउ टू ग्रो क्रॉप्स एंड डोमेस्टिकेट एनिमल्स इन वेस्टर्न एशिया कितने uh, साल uh, जो पहले लोगों ने सीखा के मतलब uh, खतरना या फिर चीजों को तराशना और जानवरों को पालना वेस्टर्न एशिया वाली साइड में आंसर टेन थाउजेंड ईर्स अगो दस हजार साल पहले जो है लोगों ने ये सारी चीजें सीखी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट पीपल लर्न हाउ टू राइट एंड अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स टू लोगों ने जो है वो आ, किस तरह से लिखना है और मैथ को अंडरस्टैंड करना सीखा किस चीज के लिए आंसर टू ट्रेड टू गवर्न एंड टू पास लॉज इन सारी चीज़ों के लिए जो है और लोगों ने लिखना भी सीखा और मैथ मैथमेटिक्स को जो है वो अंडरस्टैंड करना भी सीखा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी अ पर्सन वे ऑफ थिंकिंग अबाउट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी के मुताबिक जो है वो इंसान की थिंकिंग जो है समझने की लाइफ के बारे में वो किस पे डिपेंड करती है आंसर बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स क्वेश्चन नंबर 30 अ सोसाइटी दैट हैज रीच्ड एंड एडवांस स्टेट ऑफ सोशल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड ऐसी सोसाइटी जो सोशल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन के एडवांस स्टेट पे पहुंच जाए तो उसको क्या कहा जाता है आंसर सिविलाइजेशन क्वेश्चन नंबर 31 वर्ल्ड व्यू मींस हाउ यू इंटरप्रेट रियलिटी आर वर्ल्ड व्यू का मतलब वर्ल्ड व्यू का मतलब है कि आप जो है वो रियलिटी uh, को कैसे इंटरप्रेट करते हैं या वाट यू बिलीव टू बी ट्रू या फिर आप उस पर जो है वो बिलीव कैसे करते हैं जो uh, हकीकत हो क्वेश्चन नंबर थर्टी टू हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ल्ड व्यू वर्ल्ड व्यू के कितने टाइप हैं आंसर टू टू टाइप्स हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री नेम टू टाइप्स ऑफ वर्ल्ड व्यू वर्ल्ड व्यू के जो दो टाइप हैं उनका नाम बताएं आंसर पर्सनल वर्ल्ड व्यू एंड टू सोसाइटल वर्ल्ड व्यू थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें अगर आप हमारे चैनल पर पुराने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेलाइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास मजीद ऐसी वीडियोज आसानी से पहुँच सकें शुक्रिया अल्लाह हाफिज़ मिलते हैं अगली वीडियो में